नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट। क्या है वो अपडेट, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नीचे आके आप देख सकते हैं जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, यहाँ कॉल करने पर मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, सहारा ने आपकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस पर आप कॉल करके अपने पैसों की, अपने निवेश की और उससे जुड़ी संबंधित जानकारी ले सकते हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है वो हेल्पलाइन नंबर। लाखों लोगों ने बड़ी अरमान के साथ सहारा इंडिया में चिट फंड समेत कई अन्य कंपनियों में निवेश किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी इन पैसों को वापस करेगी तो अपने अधूरे सपने को पूरा करेंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा होगा। सहारा ने उनके पैसे तो छोड़िए, उनके जो पैसे थे उनका ब्याज तो छोड़िए, उनका खुद का जो निवेश हुआ पैसा वो भी नहीं दिया। ऐसे में लोग परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा इंडिया को लेकर कि उनका पैसा वापस किया जाए। ऐसे में झारखंड के लोग थे, उन्होंने भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किया तो झारखंड सरकार ने उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, 112। नीचे आने पर आप बता देंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं यह हेल्पलाइन नंबर 112 है। सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियां यानी NBC और कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सहारा की कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित निवेशक सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसका लाभ ले सकते हैं। आपके मन में यह सवाल होगा, शिकायत के पश्चात क्या होगा? आपको बता दें कि सहारा के पीड़ित निवेशकों के शिकायत मिलने के पश्चात राज्य वित्त विभाग, जैसा कि लिखा हुआ है, CID आर्थिक अपराध शाखा झारखंड यानी CID इकोनॉमिक ऑफिस ब्रांच झारखंड के साथ मिलकर इस शिकायत की जांच करेगी एवं शिकायतों का निस्तारण बहुत जल्द किया जाएगा। नीचे आते हैं, आपको यह निश्चित रूप से पता होगा कि सहारा इंडिया में लोगों ने करोड़ों रुपए फंसे हैं। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए उनकी निवेश की राशि लौटाने से जुड़ा यह मामला विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी उठ चुका है। इसी 10 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकी नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों को 2500 करोड़ फंसे होने की बात बताई। केवल झारखंड के जो लोग हैं उनका 2500 करोड़ निवेश किया हुआ बताया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया। ऐसे में लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ तो क्या करेंगे? तो सरकार को भी कुछ एक्शन लेना था, उन्होंने उनकी सुविधा के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो 112 पे कॉल करके अपने निवेश सहारा में निवेश किए पैसों की जानकारी ले सकते हैं और उसके भुगतान के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप सहारा इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन है, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पर लखनऊ, मुंबई और कई जगह ब्रांच के फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपने निवेश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने अब तक सहारा में कितने निवेश किए हैं और कब से आपका पैसा फंसा हुआ है। थैंक यू।